अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। बिंदु दिए हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर ए बी के मध्य बिंदु से 14 इकाई दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के नियामक निकालना है। चलिए मैं समझाता हूं इसको। क्वेश्चन ए और बी दो बिंदु दिए गए हैं जिसका निर्देशांक दिया है 1, 2, 3 और बी का निर्देशांक है आपके पास 3, 5, 9। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होगी, इस रेखा पर कोई बिंदु है सी जो मध्य बिंदु है, माना सी ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु है तो पहले इसका निर्देशांक निकालो, सी का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 1 + 3/2, 2 + 5/2, 3 + 9/2। तो यहां से कितना जाएगा, 3/2, 7/2, सॉरी 4/2 होगा ना, और यहां पर आ जाएगा 12/2। ये 6 बार में, ये 2 बार में, तो आ गया 2, 7/2 और 6। अच्छा अगर मैं बात करूं ए बी की, तो ए बी के दिक अनुपात क्या होंगे, दिक अनुपात निकाल लेते हैं, क्यों जरूरत है अभी आगे पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा दिक अनुपात, 3 - 1, 5 - 2 और 9 - 3। तो यहां से आ जाएगा आपका 2, 3, 6। अच्छा तो ए बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं, ए बी की लंबाई, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, 4, 9, 36, रूट 49 यानी कि 7 आ जाएगा। तो ए बी के दिक् कोज्याएं क्या हो, तो दिक् कोज्याएं हो जाएंगी आपकी LMN ना, जो क्या निकल के आएगा 2/7, 3/7, 6/7, समझ गया ना। तो ये आपके दिक् कोज्याएं निकल के आ गई। तो हम लोग जानते हैं कि किसी रेखा पर बिंदु x1, y1, z1 से 8 इकाई दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक यदि रेखा के दिक् कोज्याएं L, M तथा N है, तो इसके लिए मैंने बता रखा है आपको LR X1, MR X2, MR X2, sorry Y1 हो जाएगा ना, MR Y1, NR Z1 प्लस में, या दूसरा हो जाएगा LR-X1, MR-Y1 और NR-Z1। ये हो जाता है फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं। सॉरी यहाँ उल्टा मैंने लिख दिया, X1 - LR-MR-NR होता है ना, यहाँ पे उल्टा मैंने लिख दिया है, चलिए इसको मैं सुधार देता हूं। X1 - LR, Y1 - MR और Z1 - NR, मैंने उल्टा लिख दिया था। चलिए तो यहां पर LMN हमारे पास निकल गया है, R जो दूरी दी गई है ना, R क्वेश्चन में आपके कितनी दी है, 14 इकाई दी है, क्वेश्चन में आपके 14 इकाई दी हुई है, और जो बिंदु है ना X1, Y1, Z1 वो ये हो जाएगा X1, Y1, Z1, ठीक है। तो अब रख देते हैं, तो X1 का मान है आपके पास 2/2 है और Y1 7/2 है और Z1 6 है। L का मान आपके पास क्या है, 2/7, R का मान है 14 और आपका X1 है 2, M का मान है आपके पास 3/7 और इनटू में R है आपका 14 और प्लस में Y1,
तो वाई वन है 7/2। अच्छा, एन का मान है 6/7 और आपका आर का वैल्यू है 14 और जेड वन का वैल्यू है 6, या यहां पर 2 - 2/7 और गुना में 14। 7/2 वाई वन का मान माइनस क्या हो जाएगा आपका 3/7 और इनटू में 14। 6 माइनस एन का मान है आपके पास कितना, एन का मान है आपके पास 6/7 और इनटू में 14। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कट जाएगा 2 बार में, यहां भी कटेगा 2 बार में, यहां भी कटेगा 2 बार में। तो यहां से देखो 2 × 2 = 4, 2 = 6 आ जाएगा, यहां 3 × 6 = 6 × 12 = 12, 7 = 19/2। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 6 × 12 = 6, 18। या दूसरा बिंदु निकल के आएगा यहां से, इसको काटो 2 बार में, तो 2 में से 4 गया -2, यहां काटेंगे 2, 3 × 6 7/2 में से 6 घटाएंगे एलसीएम लेके तो -5/2 आ जाएगा। और यहां पे देखो 2 बार में कट जाएगा, 6 × 2 = 12, 6 में से 12 घटाएंगे -6 आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके दोनों निर्देशांक हमारे निकल के आ गए, समझ गए। चलिए अगला।